हेलो दोस्तों, नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जय स्टाइल में। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगी। तो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। आज जो है पतंग हमारे पास आई है जो लिपटा के हम लेके आए हैं, बहुत ज़बरदस्त पतंग है और बहुत अच्छी पतंग उड़ रही थी, तो उसके बारे में बताएंगे। और जो एक बहुत सीनियर काइट मेकर की पतंग है उसको भी दिखाएंगे, वो पहले भी दिखाया था, लेकिन जो इन्होंने जो बनाई बहुत मेहनत की है और आप लोगों को नाम पता ही होगा, तबरेज साहब हमारे हैं। और ये मुरादाबाद की पतंग है, बहुत ज़बरदस्त पतंग है दोस्तों। अगर जिन लोगों को अगर ये पतंग चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे टेलीफोन करके और आप लोग जो है इसको मंगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास नहीं, ये मेरे पास आई है लपटाने में। तो इसका नंबर हम आप लोगों को बोल देते हैं, तो नंबर आप लोग लिखिए। और ये नहीं पता कि ये सही नंबर है कि गलत, क्योंकि हमने उनके पास किया नहीं, लेकिन करेंगे हम उनके पास। इसका नंबर है 904-598-9789, ठीक है। यही नंबर पे हम भी उनसे टेलीफोन करके बात करेंगे। ये बहुत दोस्तों बहुत अच्छी पतंग बनाई है, पतंग एकदम ऐसे सीधी तनी हुई थी और एकदम खींचने में भी बहुत अच्छी उड़ रही थी, और इसकी कांप और ठट्टा बहुत जो है मतलब एकदम बैलेंस में रखा गया है कि पतंग उड़ना ही है, एकदम बढ़िया पतंग जो है उड़ना ही इसको। ये देखिए, ये बहुत अच्छी पतंग है और आप लोगों को भी पसंद आएगी जब इसकी अभी हम नाप जो है लेंगे इसकी और आप लोगों को दिखाएंगे। ये जिसने भी टेपिंग की हुई है, पहले हम ये टेपिंग थोड़ी थोड़ी सी ऐसे उभार देते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे उभार देते हैं, जिसमें ये जो इनका चिप्पी लगी हुई है ये चीज़ जो है, और जो हमारे जो भी पतंग यानी काइट मेकर यानी पतंग बनाने वाले लोग जो हैं, तो जो पतंग बनाने वाले लोग हैं उनसे हम यही निवेदन करेंगे, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो इस जो फर्मा हम बताते हैं फर्मा भी आप काट के और इसी प्रकार से बनाएं, आपकी पतंग भी बहुत ही अच्छी उड़ेगी, ठीक है। तो ये पतंग है और हमने इसकी टेपिंग यहाँ से थोड़ी सी हटाई है, और आइए इसको हम देखते हैं, इसको इधर से देखते हैं कि पहले सबसे ये देखिए एकदम ये 7 इंच है, एकदम पक्का, यानी 7 इंच जो है एकदम से, ये 7 इंच जो है दोस्तों पतंग एकदम ये जो टेपिंग हुई है इसकी 7 इंच पे हुई है। और पहले भी जो हमने वीडियो आप लोगों को दिखाया है उसको भी गौर करिए कि वो अच्छी पतंगें कितने इंच पे रखा है उसने जो बनाने वाले ने, तो 7 इंच जो है ये एकदम सही जो है ये 7 इंच पे लगाई है इन्होंने। एक साइड पे इन्होंने 7 इंच लगाया, दूसरे साइड पे भी हम देख लेते हैं कि दूसरे साइड पे इन्होंने कितनी दूरी पे लगाया है, ठीक है। तो दूसरे पे भी हम देखते हैं, ये इसको यहाँ पे इंची टेप को रखा दोस्तों, एकदम सही इन्होंने जो है 7 इंच इधर भी, 7 इंच इधर भी। और ये तो हो गया आपका जो है मेन चीज़ है पतंग का टेपिंग, जो यहाँ पे जो एक पट्टी लगाई जाती चिप्पी जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे एक निशान लगा दिया जाता है, बनाने वाला जो अच्छा पतंग मेकर है वो एक निशान लगा देता है, वहीं पे लगाता है, जिससे क्या होता है कि ये दोनों की कमानी जो है ये यहीं पास आके जो है दोनों की कमानी यहीं पास आए, और ये जो गैपिंग आप देख रहे हैं ये दोनों की गैपिंग एकदम बराबर होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे से गैपिंग देखिए ठीक से, और ये साइड की भी गैपिंग देखिए, दोनों का बैलेंस है। अगर ये चीज़ का बैलेंस एकदम अच्छा है, आप देखिए दूर से भी करके दिखाया रहे, तो यहाँ पे जो ये चीज़ ऐसे गई है इधर, इन चीज़ों का जो बैलेंस जिस पतंग का अच्छा होगा तो वो पतंग जो है बहुत बढ़िया उड़ेगी। अगर मान लिया कि एक तरफ जो है इतनी गैपिंग है जितनी है
और यहाँ पे गैपिंग आप देखिए इतनी है, अगर इतनी यहाँ पे इतनी है और दूसरे साइड पे इतनी है जितनी ये देख रहे हैं यहाँ से गैपिंग, तो वो पतंग सही नहीं उड़ेगी। ये चीज़ का भी बहुत बड़ा फॉल्ट है, अगर ये चीज़ की गैपिंग, ये जो यहाँ से यहाँ तक कमानी से इधर इधर है और इधर भी देखिए कमानी से इधर और इधर जो कागज़ निकला हुआ रहता है, ये दोनों का बैलेंस अगर बढ़िया है तो कमानी अगर आप यहाँ से इधर उधर भाग गिरे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नंबर एक, तो आपने देखा कि इन्होंने ये चीज़ जो लगाई हुई है बैलेंस एकदम बहुत अच्छा है, और चूँकि उड़ाई भी है पतंग, इसने भी बहुत अच्छी जो पतंग उड़ाई थी, और हमने इसको, और ये बहुत अच्छा जो भी पतंग लड़ा रहा था वो बहुत अच्छा पतंग लड़ाने वाला है बंदा, क्योंकि इसका कन्ना भी आपको जैसे हम कहते हैं बांधने के लिए, उसने उसी प्रकार से देखिए बांधा है, बहुत अच्छा बांधा है। यानी एक गिट्ठी आपने ये दे दी, फिर ये आपका ये जो है आपका तिहरा होगा, कोशिश करना चाहिए कि तिहरा बांधना चाहिए, चौहरा भी बहुत मोटा हो जाता है तो आप तिहरा भी बांध सकते हैं, लेकिन तिहरा बांधने के लिए कन्ना आपका ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, ये गिट्ठी यहाँ पे देना, अगर ये गिट्ठी नहीं दी तो ये यहाँ से सिंगल ही रहता है, एक अगर धागा कट जाएगा तो आपका कन्ना टूट जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कन्ना बांधा इन्होंने, और बहुत इसका जो इसकी तौलिया, इसको हम लोग बोलते हैं तौलिया, भी बहुत अच्छी बांधी है, ठीक है, इसकी तौलिया बहुत अच्छी बांधी है। और इसमें एक चीज़ और बताते हैं, इन्होंने पतंग लड़ाने वाले ने ये देखिए एक बिलिस्ते पे कन्ना एकदम बढ़िया बांधा, यानी जो बहुत अच्छा होता है, यानी फास्ट भागने के लिए एक बिलिस्ते पे आप बांधेंगे और उसी हिसाब से अंदाज के मुताबिक ये एक बिलिस्ता दो अंगुल भी अगर हो जाता है ये ऊंचाई, ये देखिए एक बिलिस्ता और ये तीन अंगुल दो अंगुल जितना भी है ये एकदम सही होता है, बहुत बढ़िया पतंग दौड़ उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये पतंग जो है आपने देखा, आपको हमने बताया करना किस तरह से, अब आइए और भी चीज़ें देख लेते हैं। और ये तबरेज़ साहब हमारे बहुत मशहूर हैं, उनकी पतंग बहुत अच्छी रहती है, इसका पत्ता बहुत अच्छा है इन्होंने बनाया, देखिए पत्ता बहुत अच्छा बनाया है। और पतंग में और भी खूबी जो हमने पहले नहीं बताया, तो आज हम आपको और बताएंगे इसमें कुछ नया। तो सबसे पहले हम अभी नाप लेते हैं इनकी, जो पतंग की जो खूबी है उसको नाप के बताएंगे, जिसमें आप भी हमारे तबरेज़ साहब के जैसी बना लीजिए। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, आप इस ठड्डे को देखिए, ये जैसे जैसे ऊपर गया ये पतला होता गया, यहाँ पे आगे पतला एकदम हो गया, और जैसे जैसे ये उतरता जाता है थोड़ा थोड़ा सा मोटा होता जाता है, ये देखिए, लेकिन बहुत भी मोटा नहीं होता है, यानी एकदम ज़्यादा मोटा भी वो अच्छा नहीं होता, ये देखिए एकदम ये जो है बहुत ज़्यादा मोटापन नहीं दिया इन्होंने, बहुत अच्छा दिया है ठट्टा, यानी बहुत कि ऐसे आप करें तो पतंग को ऐसे होना चाहिए, देखिए पतंग यानी ऐसे ऐसे होना चाहिए। और ये पतंग इस तरह से क्यों हो रही है कि यही पास से क्यों मुड़ रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा बैलेंस यहाँ पे किया है कि अगर पतंग उड़ेगी तो यहीं पास से मुड़ेगी अपने से ही, यानी आप उड़ाएँगे तो जब भी वो वहीं पास से उड़ेगी, ये देखिए मुड़ रही है अपने से, यहाँ से नहीं मुड़ जाएगी, यानी वो यहाँ से मुड़ती हुई आती है, यहाँ से ज़्यादा आती है, यहाँ से हल्का सा अपने से मुड़ जाती है, यानी एक पतंग होता है कि हम ऐसे करके ऐसे ठड्डा रगड़े पाए ऐसे करके, वो पतंग जो है बहुत ही मुश्किल से मुड़, लेकिन ये इतना अच्छा इन्होंने काम किया इसके ऊपर कि ये पतंग में एक ख़ास चीज़ आ जाती है, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। अब आइए इसको दिखाते हैं कि कमानी में इन्होंने जो काम किया है, कमानी पे भी इन्होंने देखिए काफ़ी अच्छा जो है काम किया, देखिए सेका हुआ इन्होंने, बहुत अच्छी सेकाई की है। उसके अलावा इस पे जॉइंट भी इन्होंने देखो बहुत अच्छा पतला एकदम बारीक रखा हुआ है, बहुत यानी मोटा नहीं किया है और बारीक रखा हुआ है, लेकिन ये है कि कलर वाला जो होता है वो थोड़ा सा सिंपल यानी सादे से कमज़ोर होता है, ठीक है, ये जॉइंट भले ही अच्छा लगाया है लेकिन अगर तेज़ हवा है, बहुत आंधी तूफान है, या अगर हल्की सी भी नमी हो गई, जब भी ये जोड़ जो है बहुत तेज़ खुल जाता है, जब नमी वाला मौसम हो तो आप कलर नहीं लड़ाएं, आप हमेशा जो है सादी सिंपल एकदम लड़ाएं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो है
ठट्टा हमने बता दिया, कमानी बता दी। अब कमानी देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से और यहाँ तलक, यानी बहुत अच्छे से काम करना चाहिए एकदम, और एकदम पतली नहीं होना चाहिए और एकदम से भी मोटी नहीं होना चाहिए, एकदम बीच से थोड़ी सी कम होना चाहिए, यानी पतली होना चाहिए यहाँ से यहाँ तलक। तो ये पतंग इस तरह से करने में बहुत अच्छी होती है, यूँ ऐसे करने में, यूँ ऐसे करेंगे तो आप बहुत अच्छी पतंग यहाँ से जो है पकड़ेंगे जब तो बहुत। और इसके अलावा इसकी काट जो है, इसकी जो काट है, ये काट भी आप इस तरह से काटेंगे तभी इस तरह की पतंग जो है बनेगी, ठीक है। तो आइए इसकी पहले हम नाप के दिखा देते हैं। सबसे पहले हम नापेंगे इसका जो है ठट्टा, इसका ठट्टा हम नापते हैं कितना है, और जो पहले बताया था उसको भी देख लीजिएगा हमने कितना। ये हमारे तबरेज साहब हैं, बहुत उमदा जो है इन्होंने एकदम सटीक नाप रखी है 21.5 इंची, और बहुत अच्छा जो है इन्होंने ठट्टा भी लगाया कि कहीं पास इन्होंने कमी नहीं छोड़ी, एकदम अंत तलक जो है लगाया है, ये देखिए ठीक है एकदम आखिर तक। उसके बाद हम इसी नाप में हम देखेंगे कि देखिए एक होती है कि जो हमने कल पतंग आपको भेजी है जो इसके पहले वीडियो उसमें थी, ये 3.25 इंच ठीक है, तो 1.25 वो वाली में थी जो कल भेजा था, और इसमें आप देखिए 4.25 पे इन्होंने नीचे कर दिया है, ठीक है इन्होंने नीचे किया हुआ है। तो 4.25 इंच पे इनकी जो कमानी लगी हुई है जहाँ पे हम लोग कन्ना बांधते हैं वो 4.25 है, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो ऊपर की टिकली है, ये देखिए ये चीज़ जो टिकली लगी ऊपर की, इसका साइज़ भी इन्होंने थोड़ा चौड़ा रखा है, और ये चौड़ान भी आपको दिखा देते हैं कि इन्होंने कितना चौड़ा रखा है इंची टेप से नाप के। ये इसकी चौड़ाई है दोस्तों 1.5 इंची, यानी यहाँ से यहाँ तलक जो है वो 1.5 इंच है, और लंबाई देख लेते हैं जो ऊपर लगाई है चिप्पी, तो 2.25 इंची एक सूत, ठीक है 2.25 इंची एक सूत है। ये जो यहाँ से ऊंचाई है, ये जो ये ऊपर जो एक लगती है कि टिकली की ऊपर से ठट्टा नहीं निकले, तो ये 2.25 इंच एक सूत है। उसके अलावा में इसमें जो है देखते हैं ये वाली जो लगाई है इन्होंने, इसमें लगाई है इन्होंने ठीक 2.5 इंच, एकदम सही जो लगाई इन्होंने 2.5 इंची लगाई है, ठीक है ये 2.5 इंच जो है इन्होंने, ये चीज़ जो यहाँ पे कागज़ लगता है। और इस कमानी की जो है, इस कमानी की इन्होंने चौड़ाई कितनी रखी है, आपको चौड़ाई भी नाप के दिखा देते हैं कितनी है इसमें। इसमें दोस्तों इसकी कमानी की जो ये चौड़ाई होती है वो है 1 सूत, ठीक है 1 सूत यहाँ पर से, और जैसे जैसे ये यहाँ पे निधर जाती है वो पतली हो जाती है, 1 सूत से थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन 20 सेंटर पे इन्होंने 1 सूत की लगाई है। तो ये तो हो गया आपका कमानी, और ये जो कागज़ इस पर लगते हैं ये हो गया। अब यहीं से हम नाप लेते हैं ऊपर मुड्ढे से, ये वाली चिप्पी कहाँ पे लगी है, ये वाली चिप्पी इन्होंने 13 इंच पे लगाई है, 13 इंच पे लगाने के बाद ये नीचे चली जाती है, ठीक है जैसे जैसे नीचे जाती है पतली होती जाती है, और ठट्टा आपको जैसे कि हमने बताया कि इन्होंने 21.5 इंच एकदम सही लगाया है, ठीक है 21.5 इंच है। उसके अलावा दोस्तों अब हम नाप लेते हैं कि इसकी जो कमानी है, कमानी कितनी है, यहाँ पे हम रखेंगे इंची टेप और एकदम आखिर में रखेंगे, और उसके बाद में हम ऐसे करते करते नापते हुए आएंगे, और ये है 24.5 इंची, 24.5 इंची एकदम नाप की एकदम सही जो है 24.5 इंच है कमानी। ये चीज़ यहाँ से, यानी ये यहाँ से ले के और कमानी हमेशा देखिए ऐसे नापते, गुलाई से नहीं नापा जाता कमानी हमेशा, जब आप पतंग की काट काटेंगे तो कमानी का जो है जो नाप हमने बताया, ये सब अच्छे कारीगर हैं तो इन्हीं की नाप रखना चाहिए, ये सब टूर्नामेंट में लड़ने वाली पतंग है, ऐसे नापा जाता है, ऐसे गुलाई से नहीं नापा जाता, ठीक है। इस तरह से आप जो कटिंग जब कागज़ की कर लेंगे पतंग की जो काट है, तो ये अपने आप ही पौने की कमानी रहती है उसको इधर उधर से तोड़ दी जाती है, ठीक है। उसके बाद
जब आप ये चीज़ का कागज़ का आप जो है 24.5 इंची रखेंगे तो अपने आप ही वो आ जाएगी। तो ये हो गई चौड़ाई। अब इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे जो एक चिप्पी रखी रहती लगती है ये कितनी रखी है। तबरेज़ साहब की है ये पतंग और उम्मीद है तबरेज़ भाई हमारे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। तो 2 इंची इन्होंने रखी है, 2 इंची इन्होंने रखी है ये चिप्पी, और 2 इंच के अलावा इन्होंने ये साइड पे देखिए सीधे तरफ इन्होंने चौड़ी रखी है, सीधे तरफ इन्होंने रखी है 1/2 इंच, 1/2 इंच और 1/2 सूत इन्होंने ये साइड पे रखी यानी सीधे तरफ, क्योंकि हवा ज़्यादातर इधर ही से जाना है, ठीक है, हवा ये साइड पे नहीं जाती, तो इन्होंने ये साइड पे पतली रखी। आप देखिए ये, ठीक है, ये साइड पे इन्होंने पतली रखी। कितना रखा है इसको भी नाप देते हैं। ये साइड पे लाए हैं ये 2 सूत, ठीक है, इधर की तरफ लाए हैं वो 1/2 इंची और ये साइड पे इसी को लाए 2 सूत, यानी रुबा, यानी ये टोटल इन्होंने काटा होगा 1 इंची, 1 इंच काटा लेकिन सीधे तरफ 1/2 लाए और उल्टे तरफ लाए हैं 2 सूत, और उसके बाद ये कमानी में जब घुमाते हैं तो इसमें 2 सूत चला जाता है तो हो गया 1 इंची, तो 1 इंच की काटा होगा उन्होंने। इसी प्रकार से ये कोने पे भी इन्होंने एकदम थोड़ा सा रखा हुआ है 2 सूत, इन्होंने ऐसे मोड़ने वाला जो रहता है कमानी पे, यहाँ पे जो कटिंग की जाती है तो 2 सूत इन्होंने ऐसे मोड़ने के लिए, और ये बस एकदम थोड़ा सा ही रखा हुआ है। इन्होंने कितना रखा है देख लेते हैं। ये जो है हर आदमी की अपनी अपनी बनाने का तरीका है और अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। तो ये 1 इंच इन्होंने, 1 इंच जो है इन्होंने यहाँ से यहाँ तक जो है कागज़ जो बढ़ाया जाता है थोड़ा सा मोड़ने के लिए, तो 1 इंच है ये, ठीक है, और उसमें 2 सूत का ही बस इन्होंने मोड़ा है। बहुत ज़्यादा इन्होंने 1/2 इंच काटा होगा और जब मोड़ा है तो 2 सूत कमानी में गया और 2 सूत ऊपर चढ़ गया, यानी जब ऐसे करके हम लोग मोड़ते हैं 2 सूत वो 2 कमानी में हो गया 1/2 इंच, ठीक है। तो ये था इनके ऊपर का हिस्से का। और अब आइए देखते हैं इन्होंने अपनी पतंग में जो निशानियाँ रखी है ये एकदम सीधी रखी है, इन्होंने ज़्यादा नहीं बड़ा किया। और ये देखिए तबरेज़ साहब की जो है ये बेहतरीन तरीके से, इधर से देखते हैं दिखता है कि नहीं तबरेज़ साहब हमारे। अब आइए इनका दोस्तों पत्ता नाप लेते हैं, क्योंकि अहम जो रूल होता है वो पत्ता, और पत्ते में एक चीज़ और बता दें, जो अच्छे जो पतंग बनाने वाले हैं यहाँ पे जो खुल जाता है वो बिल्कुल से नहीं खुलना चाहिए, वो एकदम ऐसे चपका रहना चाहिए, जैसे कि इन्होंने देखिए कहीं पास भी नहीं, जैसे सिंगल लग रहा है लेकिन है डबल, इसमें नहीं खुला। तो ये होती है एक अच्छे कारीगर की पहचान। आइए पत्ते को नापते हैं, पत्ते को नापते हैं, पत्ता है ये आपका 4.5 में 1 सूत कम है, लंबाई इसकी 4.5 में 1 सूत कम। अब इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं, चौड़ाई इसकी ये है, ऐसे करके नापते हैं, ये है 6 इंच, ये साइड से हम नाप लेते हैं पहले फिर आपको बताते हैं कितना है। एकदम सही नाप इसकी जो है 6 इंची 1 सूत है, 6 इंच 1 सूत, ये चीज़ की जो चौड़ाई है ये 6 इंच 1 सूत है, और ये वाले की जो लंबाई है उसकी है आपकी 4.25 इंच 1 सूत, ठीक है, 4.25 इंच 1 सूत, और ये जो चौड़ाई है इसकी यहाँ से यहाँ तक ये 6 इंच 1 सूत है। अब हम इसको देखते हैं कि इन्होंने जो ये चीज़ तिनका जो लगाया है, तिनके को हम देख लेते हैं कितना सूत है। ये 2 सूत की इन्होंने गैपिंग इन्होंने दी है, जो यहाँ से और यहाँ तक की जो गैपिंग होती है 2 सूत इन्होंने गैपिंग दी। अब इन्होंने तिनका कितना बड़ा लगाया ये भी देखना ज़रूरी है, इन्होंने तिनका कितना, ये पूरी चीज़ें अगर आप इनके जैसी पतंग बनाना चाहते हैं तो आपको सब सेम ऐसे ही काटना पड़ेगा। आइए तिनका नाप लेते हैं, ये 3 इंच में 1 सूत इधर है ये साइड, अब ये साइड पे भी देख लेते हैं, ये है 3 इंच में 1 सूत कम। इन्होंने एकदम से ये चीज़ को, ये चीज़ में दोस्तों कहीं भी कमी नहीं की, इसका साइज़ वेट वज़न सब सेम है,
एकदम बहुत अच्छा लगा है। अब आइए ये चीज़ भी आपको ना आपको दिखा दें कि ये कितना आ रहा है। कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ छूट जाती है तो उसको भी बता दें। ये आ रहा है आपका 4.5 इंची एक सूत, 4.5 इंची एक सूत। ये चीज़ जो आपकी है यहाँ से लेके ये, तो ये है 4.5 एक सूत। फिर से नाप देते हैं, ये आया 4.5 एक सूत। तो ये चीज़ देखिए, ये चीज़ हो गया 6 इंची एक सूत, ये हो गया 4.5 इंची, 4.5 कितना था, 4.5 एक सूत ये हो गया, 4.5 एक सूत ये वाला हो गया, और ये 6 इंच एक सूत हो गया, और ये हो गया आपका 4.25 एक सूत। और इसका जो यहाँ पे 2 सूत की गैपिंग है, और उसके अलावा आपकी जो तिनका है वो है दोस्तों 3.25 इंच जो है वो तिनका है, 3.25 इंच ये तिनका है। तो ये एक बहुत शानदार पतंग इन्होंने बनाई है जो उड़ने में बहुत अच्छी है। अगर आपको पतंग इस तरह की बनानी है तो आपको सेम टू सेम इसी फर्मे पे काट के और इसी साइज़ की हर चीज़ बनाना पड़ेगा। 30 की आपको साइज़ बता देते हैं कि ऊपर ये कितना लाए थे और नीचे कितना है। ऊपर की तरफ दोस्तों एक सूत, ये देखिए, ये जो है यहाँ से एक सूत में, यानी हम जब यहाँ से चलेंगे तो ये एक सूत से कम हो जाता है, और ऊपर जाते जाते और भी जो है एक सूत, बस एक यहाँ से ले कि यहाँ तक का लगभग बराबर है, यानी कि एक सूत में थोड़ा सा कम। अब यहाँ पे बीच में देख लेते हैं कितना है, बीच में भी नाप देते हैं आपको सही सही साहब। ये बीचों बीच आपका है लगभग एक सूत से थोड़ा सा, एकदम एक सूत से समझ लीजिए कि एक सूत में एकदम थोड़ा सा और जो है आप पढ़ाइए कि बस नाम का एकदम जैसे मंझे के बराबर, मंझे की मोटाई के बराबर, एक सूत और मंझे की मोटाई के बराबर इसको थोड़ा सा बीच में चौड़ा करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आके ये जो 30 तलक आए हैं यहाँ से 30 तलक आए सेम, फिर उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा हल्का कर दिया, यहाँ से फिर जो है इन्होंने थोड़ा सा हल्का कर दिया, जैसे कि यहाँ पे है यानी एक सूत यहाँ है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक इन्होंने फिर एक सूत कम कर दिया, यानी कि लगभग ये बस एक सूत ही आएगा। इसको फिर से नाप देते हैं कि आखिर में इन्होंने रखा कितना, एकदम दोस्तों ये चीज़ एक सूत रखा इन्होंने, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक लग एक सूत रखा, यानी कम से कम नीचे से पत्ते से लेके और ये 6 इंच तलक जो है ये एक सूत है। तो अगर इस नाप से आप बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे तो आप बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी पतंग बनाएंगे, और इससे अच्छी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए पतंग है, बहुत टॉप पतंग है ये, और आपको जो एक और नामी पतंग थी उसको भी हम दिखा देते हैं दोस्तों। हर कार्ड जो है वो अलग अलग होती है, ये भी देखिए, ये भी एक हमारे जो है बेहतरीन पतंग है, आसिफ साहब की है, ये आसिफ साहब की पतंग है, ये भी बहुत अच्छी पतंग इन्होंने भी देखी, खूबसूरती इनकी भी वही है कि इन्होंने थोड़ा उनसे भारी पतंग बनाया है, लेकिन वो हल्का है, बहुत मार धाड़ वाली है। अब इसको नाप लेते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं है दोस्तों। जैसे आसिफ भाई की हमारे पतंग जो है वो बड़ी लग रही थी, लेकिन अगर हम नापते हैं तो दोनों लगभग जो है बराबर। आप देखिए आसिफ भाई की पतंग छिप गई है, लेकिन इधर है, ये देखिए। लेकिन अगर हम दोनों को अलग अलग दिखाते हैं तो ये जो है आसिफ भाई वाली बड़ी दिख रही है, छोटी दिख रही है, ठीक है, लेकिन है दोनों सेम। तो बहरहाल बहुत अच्छी पतंग है दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ये लगभग काफ़ी अच्छी लगेगी और सारी जानकारी आपको दे दी है। तो अगर दोस्तों पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और देखते रहिए ज़िया स्टाइल में, और जाते जाते आपको सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिसमें हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, जैसे ही आप ओपन करेंगे हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम एक से एक वीडियो लाते रहते हैं, और
बेस अगर आपको सीखनी है तो हमारे आल में जाइए, आल वीडियो में, उसके अंदर बहुत सारी पेजों की जो है वीडियो है, आप देखिए ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सभी ए टू जेड है, आप देख सकते हैं और सीख के बहुत अच्छी पतंगबाजी कर सकते हैं। तो आप जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, जय स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।